छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे भवन हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे ऐतिहासिक ऐसे भवन हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक रूप से आज भी वो धरोहर खड़ी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, जो कि पंडो नगर सूरजपुर ज़िला में पड़ता है। मैं इसका छोटा सा आपको इतिहास बताती हूँ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पर आगमन हुआ था 22 नवंबर 1952 को। उनके ठहरने के लिए ये भवन का निर्माण करवाया गया था, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। और आज भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पंडो जनजाति को अपना दत्तक पुत्र भी घोषित किया था। और इस गांव के लोग प्रति वर्ष 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं अंदर आपको दिखाती हूँ, इस प्रमाइसिस को आज भी पूरी तरीके से मेंटेन रखा गया है। बड़ी खूबसूरती से इसका जो संचालन है वो किया जाता है, साथ ही वृक्षारोपण का आप देख सकते हैं, पूरी तरफ चारों तरफ हरियाली का एक बहुत खूबसूरत जायज़ा लिया जा सकता है। कोई भी बड़ी हस्ती राजनीति से जुड़ी हुई आती है तो यहाँ पर बड़े गर्व के साथ उनको ठहराया जाता है और उस इतिहास को, उस ऐतिहासिक भवन को याद किया जाता है, लोगों के बीच में साझा किया जाता है।